हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं होल व्हीट पिज़्ज़ा विदाउट ईस्ट। और यस, हम लोग आटे से पिज़्ज़ा बनाएंगे आज। हम इसमें मैदा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे जो हम सबके घर में मिल जाते हैं आसानी से। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप के अराउंड आटा, जो हमारा रोटी का आटा होता है वो। उसमें मैंने डाली है थोड़ी सी 1 चम्मच के अराउंड चीनी। उसके साथ मैंने उसमें डाला है नमक, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे हो गए हैं। अब उसमें हम डालेंगे 1/2 कप कर्ड। आप रूम टेम्परेचर पे जो कर्ड होता है उसी को यूज़ करिएगा। और उसमें हम डालेंगे फिर 1 to 2 टेबल स्पून ऑयल। मैंने इसमें सनफ्लावर ऑयल यूज़ करा है। आप कोई भी ऑयल जिसमें स्मेल नहीं होती आप वो यूज़ करिएगा। और इसका एक बहुत ही सॉफ्ट सा डो हम पानी की हेल्प से तैयार कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखना है इसको, वरना हमारा पिज़्ज़ा बेस अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार करके रखा है, उसको रेस्ट करने छोड़ देंगे। इतने हम बाकी की पिज़्ज़ा की तैयारी करते हैं। तो पिज़्ज़ा सॉस, मैं क्विक पिज़्ज़ा सॉस बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने लिया है केचप, 1 से 2 चम्मच केचप। उसके अंदर हम डालेंगे हमारे बाकी के मसाले और सीजनिंग्स, जिसके लिए मैंने लिया है ओरिगेनो, मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स और थोड़े से चिली फ्लेक्स। और ये हमारी पिज़्ज़ा की बेस के लिए सॉस रेडी हो गई है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारा डो जो हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ा था वो अब रेडी हो गया होगा। तो हम उसको 5 मिनट के लिए अच्छे से नीट कर लेंगे, जिससे वो और स्मूथ और एकदम फाइन डो हो जाए। देखिए कितना सॉफ्ट डो है ये। हम उसको अच्छे से नीट कर लेंगे 5 मिनट के लिए और, जिससे एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा। फिर इस डो को 2 से 3 मिनट के लिए और छोड़ देंगे। और अब हम अपनी पिज़्ज़ा की वेजिटेबल्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है कैप्सिकम, कॉर्न, टमाटोज़, कलरफुल कैप्सिकम्स ली हैं मैंने। आपके पास जो भी कैप्सिकम्स अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। मैंने स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न दोनों लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स उसमें डाल सकते हैं, अनियंस, मशरूम्स, कॉर्न्स, ब्रोकली, जो भी आपके पास अवेलेबल है वेजिटेबल्स आप वो उसमें डाल सकते हैं। उसमें मैंने डाला है काली मिर्च, ओरिगैनो, चिली फ्लेक्स, इटालियन सीजनिंग। और इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है मैंने इन सब्ज़ियों में, वरना सब्ज़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फीकी फीकी लगती हैं। तो ये हमारी पिज़्ज़ा के लिए, पिज़्ज़ा बेस के लिए सब्ज़ियाँ भी रेडी हो गई हैं। चलिए हम अब अपना पिज़्ज़ा बेस रेडी कर लेते हैं। तो मैंने एक आटे की लोई ली, उस पर सूखा आटा लगाया है और उसको रोटी के जैसे बेल लूँगी मैं। और फिर मैं उसके अंदर फोक से थोड़े से होल्स कर दूँगी, जिससे कि जब हम उसको सेकें तो वो फूले नहीं, क्योंकि हमें पिज़्ज़ा बेस को फुलाना नहीं है। हम अपनी रोटी को सेकेंगे तो जिस साइड पे हमने फोक से होल्स करे थे उस साइड को हम तवे पर नीचे की साइड डालेंगे। और 1 से 2 मिनट बाद ही आप देखेंगे कि ऊपर बबल्स आने लगे हैं और हम अपनी रोटी को पलट देंगे। आप देख सकते हैं नीचे थोड़े थोड़े से ब्राउन मार्क्स भी आ गए हैं। ऐसे ही दूसरी साइड से भी हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है। जैसे ही ये हल्के हल्के ब्राउन मार्क्स आ जाए तो हमें अपना पिज़्ज़ा बेस को तवे पे से उतार लेना है। चलिए अब अपना पिज़्ज़ा असेंबल कर लेते हैं। उससे पहले हमने ओवन को 180 डिग्री पर प्री हीट होने के लिए लगा दिया है 10 मिनट के लिए। तो जो हमने अपनी पिज़्ज़ा सॉस तैयार करी थी उसको हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है पिज़्ज़ा बेस पर। अब उसके ऊपर से जो हमारी तैयार सब्जियां हैं वो हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। और उसके ऊपर से हम डालेंगे हमारा ग्रेटेड चीज़। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। आपके पास कोई और पिज़्ज़ा चीज़ अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पिज़्ज़ा को ओवन में बेक करने वाली हूँ। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको तवे पर ही अच्छे से बटर लगाकर उसको सेक सकते हैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए एकदम हल्की गैस पर। हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे, उसमें हमने लगाई है बेकिंग शीट। और आप अपने पिज़्ज़ा को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। अब हमने पिज़्ज़ा को ओवन में डाल दिया है बेक होने के लिए। हम इसको 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे, डिपेंडिंग ऑन आपके ओवन की स्पीड और आपके ओवन की हीट कैसी है। आप उसको
5 मिनट्स और भी बेक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने अब बेक किया हुआ पिज़्ज़ा निकाल लिया है, आप देख सकते हैं चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो मैं अब अपना पिज़्ज़ा आपको कट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी बना है, और ये होल व्हीट पिज़्ज़ा है, ये आटे से बना है, मैदा का यूज़ हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं किया है। तो लीजिए हमारा यमी सा होल व्हीट हेल्दी पिज़्ज़ा बनके रेडी हो गया है। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू सो मच।